बहुत खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी हूँ। तो सुबह का टाइम हो रहा है, मैं जस्ट अभी उठी हूँ और फ्रेश हुई हूँ, और ये जनाब जो है अभी सो रहे हैं क्योंकि काफ़ी लेट सो रहे थे, तो अभी ये सो रहे हैं। ये उठेंगे जब इनको नाश्ता देंगे। मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और जस्ट अभी रेडी हुई हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मुझे प्रमोशन करना है ये पहनकर, तो मैं इसके लिए रेडी हुई हूँ। तो चलिए जल्दी से ये पहनते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं रेडी हो गई, आपको मैं दिखा दी। तो मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ, आप देख सकते हैं कि हम बनाते हैं वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियोस देखने हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, वहाँ पर आपको मेरी वीडियोस दिख जाएंगी। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। वापस से अपने लुक में आ चुकी हूँ और ये जनाब जो है जा रहे हैं जो शहर की सबसे बड़ी वाली सिस्टर उनको लेने के लिए। चलो चाबी ले ली, तो इंशाल्लाह बाद में इतना बड़ा काम कर रहे हैं। ध्यान से जाना। शैल गए हुए हैं मेरठ और बाजी को लेने के लिए, और हम जस्ट अभी वेट ही कर रहे हैं बाजी का कि वो कब आएंगी। और अभी जो है 12:30 बज रहे हैं, रात की बात हुई थी तो वो अभी जस्ट निकले हैं वहाँ से, तो उनको आते आते 2 तो बज ही जाएंगे। बहुत सारे लोग जो है मुझे ये कमेंट करते हैं कि आप जो है घर में कुछ और रहती हो, बाहर जाकर कुछ और हो जाती हो। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, वैसे तो मेरी YouTube की फैमिली जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी है, सब मुझे पॉजिटिव ही कमेंट करते हैं, कोई मुझे ऐसे नेगेटिव कमेंट नहीं करता, पूरे वे में बोल देते। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, तो जैसे कि सबकी होते ऐसे मेरी भी पर्सनल लाइफ है, और उसमें मैं ऐसा सोचती हूँ, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि आपकी लाइफ आपको एक बार मिलती है, तो आपका जैसा दिल है जैसा मर्जी आप वैसे बिता सकते हो। सो उसमें कोई आपको ये नहीं है कि कोई और दूसरे की तरह हमको बिताना है, या कोई कुछ और कर रहा है तो आपको भी वैसे करना है। नहीं, जो आपका मन करे जैसा आपका मन करे आप वैसे रहिए। तो कुछ अच्छा करो तब भी बोलती है, बुरा करो तब भी बोलती है, तो हमें इतना फर्क नहीं होना चाहिए कि लोग क्या बोल रहे हैं। हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या, जिस चीज में आपको खुशी मिले, जिस चीज में आपको अच्छा फील हो वो चीज करिए। शैल को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती, शैल को अच्छा लगता है कि मैं ऐसे रेडी होती हूँ और वैसे। और दूसरी बात कि मैं जो जैसे मैं रहती हूँ मैं ऐसे ही रहती हूँ। बहुत सारी जगह ऐसे होते हैं कि मैं वहाँ पर रेडी होकर जाना चाहती हूँ, मेरा मन होता है कि मैं वहाँ अच्छे से रेडी होकर जाऊँ, तो मैं वहाँ अच्छे से रेडी होकर चली जाती हूँ। कोई गलत वो नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, उनमें से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस घर की बेटी भी हूँ, प्लस मैं बहू भी हूँ, तो यहाँ पे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं ऐसे अगर ड्रेसिंग करके घूमूंगी तो ये मेरे लिए बहुत गलत होगा। तो बट हाँ, कहीं मुझे बाहर जाना तो रेडी होना था, मेरा मन करता है जीन्स पहनने का तो मैं जीन्स भी पहनती हूँ। और शैल मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोकते, उनको कभी प्रॉब्लम नहीं होती, वो मुझे इवन वो खुद ही मुझे कपड़े चूज करते हैं कि आज तुम जीन्स पहनना, आज तुम ये पहनना। बहुत सारे लोग जो ऐसे कमेंट करते तो वो मुझे समझ नहीं आता कि लोग एक ही मिनट में क्यों जज कर लेते हैं किसी को। अब आप देखिए किसी सेलिब्रिटी की वीडियोस वायरल हो जाती है कि वो किसी के साथ फोटोज नहीं ले रहा, उसने बैड बिहेव करा है, तो हम एक ही मिनट में उसे जज करके कमेंट कर देते कि इसके अंदर कितना एटीट्यूड है वगैरह वगैरह। बट ऐसा नहीं है, इंसान का मूड है तो वो कभी भी स्विंग हो सकता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो वाकई में एटीट्यूड वाला हो। पता नहीं कौन सी सिचुएशन पे हो कि वो कैमरा फेस नहीं करना चाहते हो, फोटोज नहीं क्लिक करवाना चाहते हो। तो हम लोग जो है मेंटेलिटी होती है कि एक मिनट में किसी को भी जज कर लेते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी को भी एक मिनट में जज नहीं करना चाहिए। और आपकी पर्सनल लाइफ है, आपका जो दिल करे जैसे दिल करे वैसे जियो, किसी की लाइफ में इंटरफेयर मत करें। सबका अपनी अपनी अलग अलग ओपिनियन होती है, सबके अपना माइंड होता है। तो मैं कभी किसी को जज नहीं करती, ना मैं किसी को किसी के बारे में बोलती, मैं अपने बारे में, मुझे फर्स्ट तो मुझे अपने आप से टाइम नहीं मिलता, शैल से ये सबसे अपनी पूरी लाइफ में इतनी बिजी हूँ कि मैं किसी और के बारे में क्या सोचूंगी। दूसरी बात, मैं कभी किसी को कॉपी नहीं करती और करना भी नहीं चाहिए, कि अल्लाह पाक ने हमें जैसे बनाया जैसे दिया है उसी में हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, शुक्र करना चाहिए अल्लाह पाक का कि हम जैसे भी हैं उसी में हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। अपने से हमेशा कम को देखना चाहिए, मैं हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ कि अपने से कम को देखेंगे तो आपको अपनी लाइफ बेहतर फील होगी। अगर हम अपने से ऊपर को देखेंगे तो कभी भी हमें अपनी लाइफ अच्छी नहीं लगेगी। सब मुझे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे ही कमेंट करते हैं, कोई भी मुझे बैड कमेंट नहीं करता है। बहुत ही एक दो कमेंट्स थे जो मुझे लगे, मुझे टच हुए, अच्छा फील नहीं हुआ, तो मैंने उनका इस वजह से आप लोगों को रिप्लाई दिया। अदरवाइज मैं आपको जब भी फ्री होती हूँ मैं आपको के कमेंट के जरूर रिप्लाई देती हूँ, और आप लोग तो मेरे वैसे भी फेवरेट हो आप सब। चलिए अब मुझे नीड है पानी पीने की, अब मैं पानी पीने जा रही हूँ, तो मिलते हैं जब शैल आ जाता है उसके बाद।
इनका वेट कर रही थी और ये आ चुके हैं। चलो अपनी ये जुल्फे संवारोगे? क्यों? देखो जो बिखर रही है, ये इन पे मैं क्लिप लगाऊंगी, क्लेचर। बताओ क्या लगाऊं? सुबह कपड़े निकालने थे कल के लिए मुझे। अभी से ही जनाब को देख सकते हैं, ये रेडी होके जा रहे हैं पार्टी में। तो रेडी होगी पार्टी में जाते हैं? हाँ मतलब ये प्रॉपर से रेडी होगा और इनका कलेक्शन मैंने किया है। तो ये जनाब जा रहे हैं पार्टी में, मेरा भी इनविटेशन था बट मैं जा नहीं रही। बस चलो हमारा शीशा टूट जाए। तो मैं अभी जो है रोटी बना रही हूँ और मेरी रोटी अभी फाइनली गोल गोल बनने लगी है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दुष्यंत तो बाहर है और वो बाहर ही खाएंगे खाना। ये मेरी रोटी अब गोल गोल होने लगी, मुझे खुशी एंड सेटिस्फेक्शन भी है कि चलो फाइनली मैं गोल गोल बनाने लगी। बहुत सारे लोग जो है मुझसे बोलते हैं कि अपनी शादी के फोटोज वीडियोज दिखाओ, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मेरी शादी पे कैसी लग रही थी। वैसे तो इंस्टा पर मैंने पोस्ट किए थे काफ़ी चीज़ें, बट बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं देखी, तो मैं उन लोगों के लिए आप लोगों के लिए ज़रूर पोस्ट करूँगी अपनी वीडियोस भी फोटोज भी। मैं अच्छी लग रही थी शायद, बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप हुआ था मेरा, वैसे शादी पर तो होता ही है डार्क मेकअप। मैं चाहती क्योंकि मैंने कभी भी डार्क मेकअप नहीं किया था, तो शादी पे किया तो वो अच्छा लगा। मैंने शादी से पहले कभी रेड लिपस्टिक भी नहीं लगाई, शादी वाले दिन ही फर्स्ट टाइम रेड लिपस्टिक लगाई। तो जनाब तो लेट आएंगे, ये गए हुए हैं, तो आज इनका वेट करना खाने पे बेकार है, हम खुद ही खाना खा लेंगे। अभी मैं कितनी अच्छी रोटी बना रही थी और अब देखिए बीच में से पूरी टूट गई है। कोई नहीं, मैं फिर से ट्राई करूँगी और फिर से अच्छी बनाऊँगी। जब तक मुझे प्रॉपर से आ नहीं जाएगी अच्छे से बनानी, मैं ट्राई करती हूँ। गर्मी भी हो रही है दिल्ली में, ला घी वाली पूरी प्रॉपर से गोल बनी है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो गाइज मैंने कल व्लॉग बनाया था बट वो अपलोड नहीं कर पाई थी किसी रीजन से, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाई थी, मुझे टाइम नहीं था। तो आज जो है हम लोग जा रहे हैं मेरे घर। ये बता, हाँ हम जो है शेल के जो बाग है। अबे ये क्या फिल्म था भाई, क्या हुआ? शेल के जो गांव है वहाँ से, हाँ जो भी था वहाँ से मैंगोज आए हमारे घर में। मेरी बाजी के घर से मैंगो हर साल आते हैं, पेटी आती है आम की, क्योंकि सीजन बाय सीजन जब आम आता है तो गांव से भी आती है और बाजी के वहाँ से भी आती है, तो सबके लिए आती है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एक ही घर के लिए आती है, सबके लिए आती है, सबके लिए आती है, तो सबके घर पे बांटी जाती है वो। तो ऐसे ही इनके घर पे जा रही है, तो हम तो आम की पेटी देने के लिए जा रहे थे, मगर वो तुम्हें पता ही है, क्या कर सकते हैं, बता ही नहीं सकते। दिल पे पत्थर रख के मैंने मुंह पे मेकअप नहीं करा, अब इनको आम की पेटी का बहाना मिल गया, इसलिए दो दिन के लिए जा रही है। बैग तो दिखा दो, गाड़ी में रखा तुमने? वो मैं बाद में दिखा दूंगी, बैग की बात नहीं है। मैं जो मतलब कि तुम्हें हर हफ्ते में जाना पड़ता है क्या घर, ये बताओ। मैं कितने दिन से नहीं जा रही थी, अभी जाना स्टार्ट करा। कितने दिन से नहीं जा रही थी, सबको पता है तुम कब थी। खैर ये जा रही है आज, बट मैं किसी काम से जा रही हूँ। ये जो बाजी का जहाँ रिश्ता हुआ है तो उनके घर जाना है हमें, तो उसके लिए शॉपिंग की तैयारी चल रही है, बट अभी डिसाइड नहीं हुआ है दिन कौन सा है, कब जाना है। तो शॉपिंग जो है वो शॉपिंग की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मुझे शॉपिंग करनी। जाहिर सी बात है, जो जिम्मेदारी लेता पैसे भी वही देता है। क्यों जी? तो ये जनाब मुझसे कह रहे हैं कि एक स्टेटस लगा दो, आई एम सिंगल। जैसे तुम ये स्टेटस लगाओगी बहुत सारे लोग आ जाएंगे सिंपैथी गेन करने। क्या कहेंगे फिर वो कहेंगे हाँ हमें तो पता था वो ऐसे ही है, क्यों करी शादी, हम तो कह रहे थे, हमने तो पहले ही समझाया था तुम्हें मैसेज कर करके रूशी। और नमक लगाना है जले हुए पे, ऐसा कुछ कर। मुझे मेकअप करना चाहिए था, मैंने मेकअप भी नहीं करा। कोई नहीं, अब तो वैसे भी घर जाना है, घर जाने में इतना मेकअप की क्या जरूरत है। आप ये कह रहे थे कि बहुत बड़ा सा बैग है, मैं आपको दिखा दूँ छोटू सा मेरा बैग, और ये हमारी आम की बेटी है, ये मेरे कुली। इन्हें देखिए ये मेरा कुली। कुली तो आप कितने रुपए लेना पसंद करेंगे मुझसे फीस? शेल मेरा महंगा सा बैग है ये,
शैल आपने इसे कैसे रख दिया? जीने चढ़ने भारी हो रहा मेरी। तो कितना खुश हो रहा है? ये जा रहे हैं अब। बाय बाय शैल बाय। पहुंच चुके गाड़ी में और ये जा रहे हैं हम। देखिए मुझे बाय बाय बोल रहे बाय। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय। अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए।